सुप्रभात पिला माने आज आमे पढ़िबा भूगोलर नदीर विभिन्न सज्जा और भूमि रूप विषय तुम्हें जानिछ नदी कोठु बाहरी थाए। नदी साधारणतः मालभूमि बा पार्वत्य अंचल रु बाहरी थाए। जेतेबेले नदी आरंभ होइथाय सेतेबेले नदीर प्रखरता मालभूमि एवं पार्वत्य अंचल रे तार प्रखरता बेसी थाए। तो यही नदी तीनोटी सज्जा दे गति करे। प्रथम तो पहाड़िया अंचल मालभूमि अंचल जोटा थाए से उपरसज्जा कहा जाए। तापर जिते उपरसज्जा पहाड़िया अंचल अतिक्रम कर सारापर समतल अंचल को आसी जाए ताको मध्यसज्जा कहा जाए। मध्यसज्जा परे जिते बड़े जाए समुद्र रे से मिसी जाए से अंचल को निम्न सज्जा बोली कहा जाए। तो वर्तमान आम आलोचना करवा उपरसज्जा समुद्र उपरसज्जा साधारणतः मालभूमि बा पार्वत्य अंचल आसीथिबारु जलर प्रखरता प्रचुर थाए। सेथिपाई नदीर गभीरता बढ़ी थाए किंतु पार्श्वक्षय कम होइथाए। सेथिपाई दुई पार्श्व दुईटी बड़ कांथ परी रही जाइथाए एवं गभीरता अनेक होइथाए जहाँ फळरे सा देखिया पाई इंग्राजी अक्षर एक भी परी तेणुपाई ए उपरसज्जा रे एक उपत्यका सृष्टि हुए यह भी उपत्यका कहा जाए। तापरे जेतेबेले सी आसी मध्यसज्जा रे पहुंची जाए सेतेबेले से अंचलटा समतल होइथाए। सेतेबेले नदी रो प्रखरता ह्रास पाइथाए एवं गति मध्य कमी जाइथाए फळरे नदी अंका बंका होइथाए। अंका बंका हेबा द्वारा नदी मंथर हो जाए एवं सेइथिरु मध्य किसी उपनदी बा शाखा नदी बाहरी थाए। उपनदी क्या कहते जो नदी गुड़िक आसी मुख्य नदी में मिसी था उपनदी कहा जाए एवं जो नदी गुड़िक मूल नदी बाहरी बाहरी अंपटे चली जाती था से गुड़ी को शाखा नदी बोली कहा जाए। तो यही अंका बंका जिते आमर मध्यसज्जा से से अंका बंका जिते नदी में बन्या आसे जिते बेसी परिमाण जल आसी जाए से अंका बंका स्थल नदीटी बेले बेले सीधा हो जाए। सीधा हो गले तार गतिपथ बदल थाए फल से बांकर विपरीत पार्श्वरे कि गोटे विपरीत पार्श्वरे एक छोट ह्रद पर सृष्टि हुए जोटा को देखापी घोड़ार खुरा भली बा यही ह्रदटा को आम अश्वक्रुआकृति ह्रद बोली कहू एवं यहाँ जेतेबेले बेसी परिमाण रे पानी आसी जाए बा बन्या हुए सेतेबेले नदी निजर कूल को उल्लंघन करी बन्या हो जाए फल सेठारे पटु मान सब जमा हुए यह माटी चाषपाई बहुत उर्वर हुए यहाँ पटुमाटी दरसमाटी कहा जाए। तापर नदी पलै आसे सीधा निम्नसज्जा को निम्नसज्जा मान समुद्र कूल उपकूल को पलै आसे समुद्र में मिसी जाए ताको आम निम्नसज्जा कहूँ। ये निम्नसज्जा नदी उपरसज्जा एवं मध्यसज्जा बही आनी गोड़ी बाली पथर जीवाश्म एवं हाड़ ये सबु समुद्र कूल पड़ रहे यह दीर्घ वर्ष धरी पड़ रहा द्वारा सेठरे एक प्रकार तीन कोणिया भूमि रूप सृष्टि हुए ताकु आमे त्रिकोण भूमि बोली कहू। बास पिला माने आमे वर्तमान जानले नदीर सज्जा विषय उपर सज्जा मध्यसज्जा निम्न सज्जा एवं भूमि रूप मध्य भी उपत्यका अश्वक्राकृति ह्रद एवं त्रिकोण भूमि ये तीनोटी विषय तुम्हें काली पढ़ी आसीथिबो मु तुमको श्रेणी में पचारि बस।